कोरोना भारत में अपने पैर बहुत तेजी से पसार रहा है। महाराष्ट्र में ये आंकड़े सबसे तेज देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 1100 के पार पहुंच चुकी है और देश में मरने वालों की संख्या की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा 166 के पार पहुंच चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कोरोना से 61 वर्षीय बुजुर्ग की मौत की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर बिहार की करें तो नवादा में तबलीगी जमात का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 40 के पार पहुंच चुकी है। झारखंड में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में 5 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और ये 5 महिलाएं मलेशिया महिला के संपर्क में आई थी। झारखंड में अब कुल मरीजों की जो संख्या है यह आंकड़ा 13 भी क्रॉस कर चुका है, यानी कि 13 से ज्यादा संख्या हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर की अगर बात करें तो एक कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर की मौत की खबर सामने आ रही है। इंदौर में, सिर्फ इंदौर में 213 संक्रमित लोग पाए गए हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में यह 385 संख्या हो चुकी है, इससे ज्यादा यह आंकड़ा बढ़ चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में 540 मामले बढ़े हैं और 17 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कुल 5734 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 5095 लोगों का फिलहाल इलाज चल रहा है और राहत भरी खबर ये भी है कि 473 लोग ठीक हो चुके हैं और 166 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने झुग्गी बस्तियों में कोरोना वायरस का प्रसार को रोकने के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है और मंत्रालय का कहना है कि अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी झोपड़ी ये सबसे गंभीर समस्या यहाँ पर फैल सकती है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर बड़ी आबादी रहती है और अगर ऐसे किसी क्षेत्र में कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस सामने आता है तो कंटेनमेंट प्लान लागू करना होगा, जिसमें स्थानीय प्रतिनिधियों और वार्ड सदस्यों को स्वास्थ्य अधिकारियों का सहयोग करना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि एडवाइजरी के मुताबिक निवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए इलाके के स्थानीय प्रतिनिधियों, वार्ड सदस्यों और प्रभावशाली व्यक्तियों को कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। इनमें भीड़ जुटने से रोकना, शौचालय जलापूर्ति स्थानों जैसे कॉमन इलाकों की नियमित साफ सफाई होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही बुजुर्गों को घरों के अंदर रहने का भी अनुरोध किया गया है। वहीं अगर कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसे 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने जैसी सलाह भी दी गई है।